बाड़मेर जिले के SWML से अनुबंधित अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दिलीप दास का 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता व 36वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर मंगलवार शाम को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के वॉलीबॉल मैदान पर सम्मान समारोह रखा गया। वहीं सम्मान समारोह के आयोजन के दौरान वॉलीबॉल का दूधिया रोशनी में मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों टीमों की ओर से शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर जिले के SWML से अनुबंधित अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दिलीप दास का 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता व 36वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर मंगलवार शाम को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के वॉलीबॉल मैदान में सम्मान समारोह रखा गया। जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव हेमाराम चौधरी व संघ के कोषाध्यक्ष मूलाराम चौधरी ने बताया कि दिलीप दास के सम्मान समारोह के आयोजन के दौरान वॉलीबॉल का दूधिया रोशनी में मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों टीमों की ओर से शानदार खेल का प्रदर्शन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि आदर्श किशोर जानी प्रोफेसर ने कहा कि दिलीप दास हमारे बाड़मेर व राजस्थान के लिए बड़े गर्व व गौरव की बात है। बाड़मेर जैसे रेतीले धोरों से निकला सपूत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले व राजस्थान का नाम रोशन कर रहा है। विशेष अतिथि सदर थानाधिकारी चंद्र सिंह व प्रताप पाराम कड़वासरा प्रधानाचार्य ने दिलीप दास की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह वॉलीबॉल की प्रतिभा हमेशा आगे बढ़ती रहे। संघ के सचिव हेमाराम चौधरी ने अपने उद्बोधन में बताया कि बाड़मेर जिले में वॉलीबॉल संघ की ओर से राजस्थान वॉलीबॉल संघ और भारतीय वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारी रामावतार सिंह जाखड़ व अनिल चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाड़मेर जैसे छोटे से जिले से निकली दिलीप दास जैसी प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का मौका दिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद करते हुए संघ के संयुक्त सचिव ठाकराराम चौधरी ने खिलाड़ियों व दर्शकों का आभार व्यक्त किया।